हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सत्तू के पराठे की रेसिपी। ये प्योर बिहारी रेसिपी है और ये काफी टेस्टी बनते भी हैं। तो बिना देरी सीधे रेसिपी पे आते हैं। सत्तू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। मैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करूंगी, बस जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हम पराठे के लिए भी आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पे नरम आटा गूंथेंगे, सख्त आटा नहीं गूंथेंगे। नरम आटा गूंथने से जो पराठा है काफी सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इस तरीके से मैं इसका एक डो बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा एकदम सॉफ्ट और लचीला डो बन के तैयार है। इसे एक लीड से हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसी बीच में हम सत्तू का मिक्सचर भी बना के तैयार कर लेते हैं फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप सत्तू लिया है, ये मेरा चने का सत्तू है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक रूप से काट लिया था। 2 पीस चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, 5 से 6 लहसुन की कली चॉप किया हुआ। आप चाहो तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालने से पराठे में काफी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ मैं टेस्ट को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए एक आम का अचार ले रही हूँ। इसे मैं इस तरीके से मसल के अच्छे से डाल दूंगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, आप चाहो तो चॉप करके भी इसे डाल सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता, नमक 1 टीस्पून, मंगरेला और अजवाइन 1 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाला है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इसे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। हमें पतला इसका घोल नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, हमें इसका हल्का भुरभुरा मिक्सचर बना के तैयार करना है। तो इस तरीके से पानी का छिड़काव करते हुए हम इस मिक्सचर को तैयार करेंगे। एक ही साथ ढेर सारा पानी नहीं डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसका एक मिक्सचर बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बन के तैयार है। ये ना ही ज़्यादा बहुत गीला है और ना ही सूखा है। मैंने इसका एक मीडियम भुरभुरा मिक्सचर बना के तैयार कर लिया, जिसे कि हम अगर पराठे में फील करेंगे तो ये फटेगा नहीं। अब यहाँ पे हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो हम इसकी मीडियम साइज की लोई बना लेते हैं। आप जितना रोटी का लोई बनाते हैं उससे थोड़ा डबल इसका लोई बनेगा, क्योंकि इसमें फिलिंग भी जाएगी। तो इस तरीके से हम एक मीडियम साइज का लोई बना लेंगे। और साथ ही परथन के लिए यहाँ पे मैंने सूखा आटा का यूज कर रही हूँ। लोई को हम सूखे आटे में डीप कर देंगे और इस तरीके से हम उंगली की सहायता से बीच में गड्ढा करते हुए कटोरी बनाएंगे इसका। और अब इसमें हम मिक्सचर को फिल करेंगे। तो आप हाथों की सहायता से ही इसमें मिक्सचर फिल करें, ज़्यादा अच्छा से इसमें मिक्सचर जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें फिलिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरी तरीके से फिलिंग को डाल दिया है और इसे हाथों की सहायता से हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे और चारों तरफ से इसे उठाते हुए इसके मुंह को हम बंद करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं वीडियो में। और जो इसका ऊपर में एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा इसे वापस उसी में चिपका देंगे और गोल करके हम अच्छे से इसे फ्लैट कर देंगे। तो यहाँ पे पराठा के लिए हमारा एक पेड़ा बन के तैयार है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो वापस इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा डीप कर लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा कस के प्रेस करके नहीं बेलेंगे, नहीं तो हो सकता है पराठा हमारा फट भी सकता है। तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया गोल शेप में हमारा पराठे के लिए शीट बेलकर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गैस पे तवा को पहले से चढ़ा के रखा था। तवा हमारा अच्छी तरीके से हीट होना चाहिए। तो मेरा तवा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें पराठा डाल देती हूँ और यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक तरफ से पहले 2 मिनट के लिए हम इसे लगने देंगे, तुरंत टर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे टर्न कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ गोल्डन चित्ती आने तक हम इसे सेकेंगे। तो जब तक हमारा इसमें गोल्डन चित्ती आता है तब तक हम दूसरा पेड़ा भी बना के तैयार कर लेते हैं। और इसे मैं कटोरी का शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिलिंग को डालेंगे और फिर वापस से इसे हम बंद कर देंगे। ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं
तो मैंने इसे बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा वाला भी शीट बेल के तैयार कर लिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा पराठा गोल्डन चित्ती आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन चित्ती आ चुका है हमारे पराठे में। तो अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हैं इसे, या फिर कोई भी आप कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, जो भी आप खाते हो। तेल डालने के बाद हम इसे टर्न करके अच्छे से प्रेस करते हुए दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक सेकेंगे। ये देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी तरीके से पफ हुआ है। इसका मतलब है कि ये बाहर से जितनी अच्छी तरीके से सिक गया है, उतनी अच्छी तरीके से ये अंदर से भी कुक हुआ है। तो ये लग रहे हैं ना देखने में एकदम बलून जैसे फूले फूले हमारे सत्तू के पराठे। आप जरूर इसे एक बार घर में बनाएं और ट्राई करें, बच्चे को तो ये काफी पसंद आएगी, आप इससे बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है, तब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बारी बारी से हम बाकी सारे पराठे को बना के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने दूसरा वाला भी पराठा इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला पराठा भी अच्छा गोल्डन कलर का सिक गया है, देख सकते हैं आप। और ये भी बलून की तरह एकदम पफी बना है, और ये पराठे खाने में बहुत ही नरम और सॉफ्ट लगते हैं। तो चलिए अब गर्मा गर्म पराठे को सर्व करते हैं। तो आप यहाँ पे सत्तू के पराठे को कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर ये ऐसे ही खाने में बहुत ही चटपटा बहुत ही मजेदार लगता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।